काम ये है कि जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पढ़े और अल्लाह की बारगाह में तोबा करे। जी मुसलमानों का काम यह शाम को सोए तो शाम को इस्तग़फार 100 मरतबा पढ़ ले। जी। औरतों की बहुत शिकायतें मिलती हैं कि औरतें कहती हैं हमें ख्वाब में भूत दिख रहे हैं, चुड़ैले दिख रही हैं, जिन दिख रहे हैं, और जबकि जिन्नातों की शिकायत यह है, औरतें कह रही हैं हम जिन्नात से परेशान और जिन्नात कह रहे हैं हम औरतों से परेशान। समझे कुछ भी नहीं है मगर इतना कूद रही है, इतना कूद रही है। जिन्नात कह रहा है कमबख्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। समझ आ रही ऐसे हालत। तो ये जो है ना, ये जिन्हें मैं अब सच्ची बात कर रहा हूँ कि जिन्हें ख्वाब दिख रहे हैं उल्टे पुल्टे, ये सारी चीजें उनके लिए बड़ा प्यारा वजीफा। शाम को वजू बना करके सोए, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3-3 मरतबा चारों कुल पढ़ लें, दोनों हाथों पे फूंक के ताली बजा लें, इंशाल्लाह फजर तक आराम से सो लें। इंशाल्लाह सुभान अल्लाह। समझे पूरे घर ये नहीं करेगी मगर कान में एयरफोन लगाएगी, मोबाइल चला चला के सीरियल देखते देखते मर गई। पाकिस्तान में उधर सीरियल बना बना के रो रही है, घर में पड़ोसी रो रही है, वो उधर तलाक मांग रहे हैं, ये सुबह उठ के कह रही है तुमने तलाक दी नहीं, अब वो कह रहे इसकी हट गई है, क्या हो गया ये झगड़े। कुरान शरीफ पढ़ो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। लड़कियां बच्चियां ऐसी भी मोबाइल चलाना छोड़ दे, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, पर्दे में रहना शुरू कर दे। अब तो ना अगर कोई बच्ची आलिमा है या कोई बच्ची पढ़ रही है ना, तो शादी में वो भी बुरका ओढ़ के नहीं जाती है, और अगर जाएगी ना तो उसे इस नजर से देखते जैसे मतलब सारी लड़कियां उसे इस नजर से देखते कि मिसाल नहीं दी जा सकती कि ये कहां से आ गई, कि ले इस दौर में भी बुरका, बिया शादी में बुरका, हाथों में दस्ताने अगर पहन ले तब तो ले इसकी हट गई, हटो जी इसकी चूल्हे ढीली है खत्म। मगर याद रखे जानबूझ कर ऐसी महफिलों में और पहन के जाया करे ताकि बता दे पर्दे में रहना सैयदा फातिमा को पसंद था और बेपर्दा रहना बंबई की कंजरियों को पसंद था। हमें फातिमा मुबारक हो, तुम्हें कंजरी मुबारक। जी पर्दे में जो रहता है वो कीमती चीज होती है, कितनी किताबें होती हैं, कितनी बुक्स, 1000 2000 10000 भी सारी, मगर किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं होता। जो कुरान मुकद्दस होता है उस पर गिलाफ और पर्दा होता है। सुभान अल्लाह। पर्दे वाले की अहमियत अलग है। करोड़ों कई करोड़ के मकान, 10-10 करोड़ के मकान, लाखों के मकान, अरबों के मकान होते हैं, बहुत बहुत कीमती पत्थर और क्या क्या मोती हीरे सब लगे हुए, मगर किसी मकान पे पर्दा और गिलाफ नहीं होता है, मगर अल्लाह के घर खाना काबा पे पर्दा होता है। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकाम ही अलग होता है। तो वो लड़कियां जो बुरके में जाती हैं वो अपने आप को कमतरी का शिकार ना हो। जी कभी ये ना सोचे कि हम कमतर हैं, बल्कि उनको दिखा दे कि तुम नाचने वाली नचनियों को फॉलो करती हो। ये बाल ऐसे किसने किए बता, किसी अल्लाह के वली की बेटी ने किए हो, बीबी ने किए हो, माँ ने किए बता, नबी की बेटी बीबी माँ ने किए हो तो बता। जी और ये बंबई में चल मैं तुझे दिखा दूं, अपना जिस्म बेचने वाली, जिस्म दिखा दिखा करके पैसे ऐठने वालियों का तरीका जो तू अपना रही है। हम हैं पक्के सच्चे मुसलमान। जी जी इसे और फख्र होना चाहिए इसे। कम बहुत सारी ये शिकायतें मिली हैं जो लड़कियां ना मदरसों में पढ़ती हैं, पढ़ते वहां से पर्दे में रहती हैं बुरखों में, तो ये शिकायतें आई है ना कि हमारी चचेरी बहन तहेरी बहन उन्हें टॉर्चर करती, अरे हट बुरखा उड़ के जा, हट स्कार्फ बांध के जाएगी, बाल निकाल, गुम्फे लगा, चुटिया लगा, डिजाइन कर, यूं कर, तू का, तो बहुत सारी लड़की उनके बहकावे में आ जाती है। इसलिए ये मैं पैगाम दे रही हूँ चैनल के जरिए या वैसे अपने अपने घरों में जाकर बता देना, असली असली वही है। सैयदा फातिमा ने फरमाया है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत होती। जी बेशक बेशक। अब सुनो टाइम अभी बाकी है थोड़ा सा, प्रधान जी एक दो ऑफर और दे दो, बड़े प्यारे आ रहे हैं, बड़े प्यारे सुनना चाह रहे हो। देखो कुछ काम करना पड़ रहा, एक रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा, और 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब पा जाओ। बल्कि 1000 नहीं सही साहब, बैठे
कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पाए। ऑफर सुनोगे करोगे थोड़ा सा अमल सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जुमे से पहले जाकर के साफ करते हैं, जोड़ते झाड़ते हैं, पोछते नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। जब ये अमल सहाबा ने देखा तो एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चलता, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं। ओ नौजवान सुन लो, मेरे नबी शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिल इरशाद फरमाते हैं। और ये भी दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद जुमे के दिन झाड़ पोछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसका इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक करो भी तो जी इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी सारी बातें छोड़ दी आप लोगों ने जी, अब तो अल्लाह ने थोड़ा सा ओहदा दे दिया है, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए या खजानची बन गए, जुमे के दिन या किसी दिन आएंगे हाथ पीछे रखेंगे कहेंगे इमाम साहब तुम्हें मस्जिद का जाला नहीं दिख रहा ये। अच्छा अब इमाम झाड़ू मारेगा, तुम अगर सदर साहब हो झाड़ू मार ले तो क्या मर जाते, अगर मर भी जाते तो अच्छी अच्छे काम में मरते। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ओहदा क्या, मौलाए कायनात हजरत अली से ज्यादा ओहदा जी, हसनैन करीमैन से ज्यादा ओहदा, नेकियों की जरूरत नहीं है क्या। ओहद पहाड़ में कितना वजन होगा, हजारों क्विंटल उसकी, और नबी का फरमान गलत हो सकता क्या, नबी की बात गलत हो सकती नहीं हो सकती। छोटी 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 बातें बड़ी तेजी सुना रहा हूँ, बड़ी तेजी से बड़ी तेजी सुनो, बस पांच मिनट में या सात छह मिनट में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा लपेट, पूरी कोशिश कर दू उसको पूरा कर दू, समझ में आ रही बात, पूरी कोशिश करूंगा। सुनना चाह रहा तुम्हारे पूरे थामले में इस तरफ से लेकर के इधर तक कोई शख्स तुमने ऐसा देखा, यार कितना गम का वक्त होता है, फलस्तीन के हालात देखो, सैयद साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने, फलस्तीन के हालात देखो यार, जिसकी माँ मरती है उसे ही पता चलता, जिसका बाप मरता उसे, जिसका भाई जिसकी औलाद उसे ही पता चलता, अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाए तो उसका भाई कुरान खानी कराता, दुआएं करता, रोता है, सबसे मिलता जुलता आंखों में आंसू होते नहीं होते जी। कोई ऐसा है थामले में जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, अल्लाह बोले है कोई ऐसा, कोई नहीं है ना। और अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, चाहे कितना ही मालदार हो रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ में दस्तरखान में खाओगे, और अगर मिल जाए तो उसके गले में हाथ डालोगे, दोस्ती करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे जी इंशाल्लाह। अब मेरी बात भी गलत हो सकती है, प्रधान जी की भी आपकी भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता जी बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यगतब बादुकुम बावा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा खीही मैतन फकरीतुमु। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर की उधर लगाने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता जी जी बेशक बेशक बेशक। अब कोई गीबत करेगा नहीं, चुगली करेगा नहीं, पीठ पे जबराई करेगा नहीं, आपने वादा किया था तौबा करेंगे, इंशाल्लाह सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, सब लोग उठा लो, बोला या अल्लाह
उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदके में दुआएं कबूल हो जाएं। सब लोग दुआ करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। रख लो मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले। टाइम बचाना, टाइम दूसरी बात एकदम बगैर तमहीद के। जी मेरी बहनें बैठी हैं, मगर बात ऐसी है, थोड़ा सा बताऊंगा समझ लेना। वो बेटा कितना जलील, कितना रजील, कितना खराब, कितना बुरा, कितना नीच, और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। वो बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, मर जाएगा मगर माँ के ऊपर गलत नजर नहीं डालेगा ना, या डाल सकता है? नहीं डाल सकता, मगर 10% मुसलमानों में हो गया। हदीस, इन छोटी छोटी बातों में या तो हदीस रखूंगा या कुरान, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखना। कितना जलील होगा यार वो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, पाला, पोसा, जो माँ के साथ गलत हरकत करे। मेरा इशारा समझ गए? जी। तो बस तक जमीन में घुसना पसंद करेगा, मगर है कौन? नबी फरमाते सूद और ब्याज। अल्लाह, नाम सुना सूद और ब्याज का? दो हदीसें, एक हदीस में है, मुफ्तियाने किराम बैठे मेरे सामने से दो हदीसें गुजरी। एक हदीस में है सूद का जो गुना होता है ना ब्याज का, जान रहे हो ना सूद ब्याज, उसका जो गुना होता है उस गुना के 70 हिस्से 70 दर्जे, और एक हदीस में 73 का जिक्र है। लेकिन 70 वाली सुनो। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुना है उस गुना के 70 दराजात, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, सारे दर्जों को सामने रखो। अब आका फरमाते सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुना और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह 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 अल्लाह। 10-10 हदीसें सुना सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की हदीसें पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम की वजह से। जी अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, कैसा इंसान होगा। प्यारो दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना, रूखी सूखी खा लेना, मगर यार हराम का लुकमा ने मत देना। जी हराम कमाई से बच्चों के कपड़े, चीनी, पत्ती, आटा, चावल खेत में लगाना लाना हरगिज नहीं आना चाहिए। जी बच्चों को रूखी खिला दो मगर हलाल खिलाना। जी मर जाओगे मकान नहीं बनेगा, दुनिया ये कहेगी यार मकान नहीं बना, गरीब था मगर था बड़ा शरीफ। जी था बड़ा भोला। और काले करतूत करोगे, बिल्डिंगें बना लोगे, जमीनें खरीद लोगे, दिल काला होगा, रिश्वत लोगे, सूद लोगे, दोगे, तो मालूम है कब्रिस्तान में चर्चा हो जाएगा। दौलत तो बतेरी इकट्ठी की मगर सब सूद की थी, सूद की। ये चर्चे होने लगते, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, सही साहब यहाँ जलवागर है, तुम्हें खुदा का वास्ता, आज के बाद हराम लुकमा ने मत देना यार।